नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको यहां बता दें, भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और साथ ही साथ तमाम यहां विधायकों को और नेताओं को जगह मिल चुकी है। लेकिन इस बीच यहां पर एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बता दें आपको कि इस मंत्रिमंडल विस्तार में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं पहुंची हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं पहुंची हैं यहां पर। हालांकि वसुंधरा राजे सिंधिया का इंतजार भी यहां किया जा रहा था। राजभवन में शनिवार को समारोह के दौरान 22 भाजपा विधायकों ने राजस्थान सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें से 12 ने कैबिनेट मंत्री, 5 ने राज्य मंत्री और 5 ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। किरोड़ी लाल मीना, मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ तमाम विधायकों ने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। इसी बीच आपको बता दें कि वसुंधरा राजे के 5 विधायकों को यहां जगह मिलने की बात की गई है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि जब 5 विधायकों को यहां जगह मिल गई तो वसुंधरा राजे क्यों नहीं पहुंची इस कार्यक्रम में। आपको बता दें कि यहां पर जो सियासी जो बाजार है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे का इस कार्यक्रम में ना पहुंचना बहुत कुछ बतलाता है। क्या वसुंधरा राजे नाराज हैं? क्योंकि वैसे भी देखा गया था कि राजस्थान में सीएम पद पर वसुंधरा राजे को देखा जा रहा था, लेकिन वसुंधरा राजे को सीएम पद नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे खफा है। हालांकि लगातार दिल्ली में उनकी बैठक भी चलती रही, जेपी नड्डा से भी चली और देश के प्रधानमंत्री मोदी शाह से भी चली। चर्चा तो यहाँ ये भी चल रही है कि उनको केंद्र या लोकसभा में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ वसुंधरा राजे ने किसी जिम्मेदारी को लेने से मना कर दिया था। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिएगा SPN9 News। धन्यवाद।